हनुमानञ्जना सूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः सल्गुणः सकः पिंगाक्षो मितविक्रमः। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पचौरी और हाजिर हूं कुछ नायाब बेमिसाल लेकर अच्छी खबर पर। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हम आपके साथ भगवान राम के प्रति संपूर्ण समर्पण और भक्ति दर्शाने वाले भक्त हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए चार प्रेरक प्रसंग साझा कर रहे हैं। हनुमान जिन्हें खुद भी अपनी शक्ति का अनुमान नहीं था और लोग भी अक्सर इस अद्वितीय प्रतिभा के प्रताप उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाते और चरण तो सभी पकड़ते हैं लेकिन आचरण नहीं पकड़ते और वो शक्ति वो भक्ति उस आचरण में मौजूद है। जीवन में जो कामयाब होना चाहते हैं तो हनुमान बने, जीवन में सार्थक करना चाहते हैं जीवन को तो हनुमान बने। पहला प्रसंग, एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने प्रत्येक हीरे को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। ये देखकर माता सीता को क्रोध आ गया। वो बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खसोट कर नष्ट कर दिया। ये सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर ये देखना चाहता था कि इनमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माँ सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल? बाकी सेवक ये सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम है कहां? प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी के दर्शन हुए। दूसरा प्रसंग, एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, मांग में सिंदूर लगाने का क्या आशय है? सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हूं ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल में सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर में रंग गया। सीता माता ये सब देखते हुए हंसने लगी, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर भर में लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। तीसरा प्रसंग, जब हनुमान समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुंचे तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया, प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता हैं, क्या ये जानते हुए भी वो इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? ये सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे वानर कुल में पैदा हुए एक वानर को उन्होंने शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं और आपके अंदर इतनी अच्छाइयां छिपी हैं कि वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में अटूट विश्वास पैदा कर दिया जिस कारण विभीषण श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। चौथा प्रसंग, हनुमान जी बाल्यकाल में काफी नटखट थे। वो हंसी खेल में ऋषियों मुनियों को खूब सताते थे। एक बार तो उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में समा लिया। हनुमान जी के इस नटखट व्यवहार से क्रुद्ध होकर उन्हें एक महातपस्वी ऋषि ने श्राप दिया।
हे उत्तंड नटखट बालक, तुम जिन दिव्य शक्तियों के प्रभाव से ऊधम मचाते फिर रहे हो, उन चमत्कारी दिव्य शक्तियों को अभी के अभी भूल जाओगे। बाल हनुमान की माता उस ऋषि से अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना करती हैं, पर वो ऋषि कहते हैं कि अब भविष्य में जब राम काज के लिए कोई व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों और बाल्यकाल की बातों को स्मरण कराएगा, तब उसी वक्त हनुमान जी की शक्तियां वापस लौट पाएंगी। और आगे चलकर यही हुआ। सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे श्री राम की मदद करते समय हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हो आया था, तभी तो वो समुद्र लांग कर लंका पहुंचे थे। तो ये थी हमारे आज की कहानियां, कुछ हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग। अगर आपको पसंद आए हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लगातार देखते रहें एक से बढ़कर एक प्रेरक किस्से कहानियों के लिए। अच्छी खबर, हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।